47 थी, और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी के इल्मे सियासियात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो तीन फिलासफर्स थे मेन, हम उनको पढ़ेंगे, जिसमें है थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और रोसो है। हम इनमें पढ़ेंगे कि हर एक फिलासफर के आगे स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, इंसान कैसा था और कंडीशंस क्या क्या थी, सॉवरन कौन था, और उसके बाद इनके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फिलासफर नंबर वन, विच इज थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है ये इंग्लैंड का रहने वाला था, और जब ये बड़ा हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड में सिविल वार चल रही थी। तो ये स्टेट ऑफ नेचर को इस तरह से डिफाइन करता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो नास्टी है, पुअर है, ब्रिटिश है, कि लोग जो हैं वो जालिम है, क्रूल है। माइट इज राइट, यानी कि इसके पास ताकत है वही सही है, यानी कि ताकत के बलबूते पे कोई बंदा राज कर सकता है। हर तरफ जो इंसानियत है, जो लोग हैं वो इतने सिविलाइज्ड नहीं है और उन्हें खतरा है दूसरे लोगों से, लॉफुल कंडीशन नहीं है। अब इसमें कहता है जो मैन है, जो इंसान है, उसकी नेचर है यूटिलिटेरियन, कि वो चाहता है कि वो इंजॉय करे, चीज़ों को देखे, लेकिन उसको खतरा है मरने का। जब वो इन चीज़ों से डरता है तो तब चीज़ आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह क्या है, फियर, यानी कि वो जिससे डरता है। अब जो वो जो हात बनी वो क्या क्या थी जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, वो कहता है कि इंसान डरता था, इंसान अच्छा उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो एक दूसरे के लिए खतरा था, इंसानों को अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, लाइफ और एवरीथिंग। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम परस्यू करते हैं इन द होल सोसाइटी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हारमोनी और पीस क्रिएट हो जाएगा। अब वो लोग मिले और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक दूसरे के ऊपर राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, और सब ने मिलकर अपना एक मोनार्क बना दिया, एक बादशाह बना दिया जिसने उन्हें रूल किया। और ये था कि जो इनका सॉवरन था मोनार्क, लेकिन वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, बाहर। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या थी, कंडीशन ये थी कि जितने भी राइट्स हैं उन लोगों के वो किसको दे देंगे, अपने मोनार्क को, लेकिन मोनार्क इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगा। मोनार्क उनके ऊपर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता, कि वो एक्सेप्शन ये थी कि उनको क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन की थी और उनको फ्रीडम ऑफ लाइफ था, इसको वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, उसके अलावा हर चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है। अब जब लोग इतनी बारबैरिक कंडीशन में रहते थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने एक मुआहिदा किया, उसके नतीजे में वो एक मोनार्क को ले कर जिसने उन्हें लीड किया। तो ये था थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक जो था वो भी इंग्लैंड से है, और वो जब आया था जब रेवोल्यूशन का टाइम था, तो उसने कहा कि वो कहता है नेचर ऑफ स्टेट क्या है, वो कहता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, वो अच्छी है, वो रिस्पेक्टिंग है, वो सिविलाइज्ड है, और वो जितनी नेचुरल लॉ है उनको फॉलो करता है, और हर जगह पर वो हारमोनी है और पीस को वो प्रमोट करता है। अब वो कहते हैं कि उस टाइम कंडीशन अच्छी थी। अब वो मैन को कहता है कि मैन क्या था, रैशनल था और क्या था, सोशल था। उसके बाद वो कहता है कि अगर उस दौर में कंडीशन भी अच्छी थी, लॉग भी अच्छे थे, सोशल थे, बड़े प्यार से बात करते थे, पीसफुल सोसाइटी थी, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो वो कहता है कि कभी भी किसी टाइम हो सकता था, यानी कि कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, कोई लॉ बनाने वाला कोई नहीं था, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई लॉ की वायलेशन करता है तो उसको सेंशन देने वाला कोई नहीं था, सजा देने वाला कोई नहीं था। तो कहता है कि ये सूरत जब लोगों ने देखी कि कभी कुछ हो सकता है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें एक बॉडी बनानी चाहिए। अब हम आते हैं सॉवरन की तरफ। जो था हॉब्स में वो सॉवरन क्या था, मोनार्क था। ये कहता है कि सॉवरन मोनार्क नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट मोनार्की पे बिलीव नहीं करता, ये रिस्ट्रिक्टेड मोनार्की बिलीव करता है, और ये कॉन्सेप्ट देता है असेंबली का, कि क्या हम करेंगे, लोग मिलेंगे, उनको कॉमन इंटरेस्ट होगा, और एक बंदा या एक गवर्नमेंट आके खड़ी कर देंगे, एक असेंबली ले आएंगे जिससे हम गवर्न करेंगे। ये था जॉन लॉक। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं, वो है रोसो। अब रोसो जो है, रोसो फ्रेंच रेवोल्यूशन से 10 साल पहले पैदा हुआ, और ये वही बंदा था, कहा जाता है कि अगर मैं कहूं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह बनी, बहुत बड़ी वजह बनी, तो वो ये था। अब जो फ्रांस की उस वक्त हालत थी वो थी, चार चीज़ों में उनकी सोसाइटी डिवाइड थी, यानी कि एक बादशाह था, उसके बाद जो उनके रिलीजियस थाट था वो था, उसके बाद फ्यूडल रॉड था, उसके बाद जो उनके लोग थे वो पीछे पड़े थे। तो अब
इसके ऊपर उसने लिखा। अब रोसो कहता है कि जो नेचर, जो स्टेट की नेचर है वो ये है कि वो जो वहाँ पर इंसान रहने वाले हैं वो पीस को पसंद करते हैं, वो हैप्पी हैं और वो अच्छे लोग हैं। वो ये कहता है कि जो सिविलाइजेशन है, जो ये सोसाइटी है, वो लोगों को करप्ट करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी या सिविलाइजेशन बुरी है। वो कहते हैं कि सोसाइटी और सिविलाइजेशन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस तरह वो कहता है कि इसको चेंज होना चाहिए। अब वो कहता है जो इंसान था वो कहता पीसफुल था, ठीक है, अच्छा था, हैप्पी रहने वाला था, फ्रीडम चाहता था, लिबर्टी चाहता था, अपना सोवरेनिटी चाहता था, लेकिन उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके गया गया। जैसे अब नाज़ीज़्म है, जैसे हिटलर जर्मनी में आया तो उसने अपने साथ कई लोगों को मिला लिए। लोग अच्छे थे लेकिन उनको डायरेक्शन क्या दी गई, बुरी दी गई, तो क्या आया, एक बुरा नतीजा जिसमें वर्ल्ड वार सेकेंड हुई। अब सोशल कॉन्टेक्ट इसमें ये है, वो कहता है कि जब सबके एक कॉमन इंटरेस्ट आ गया, इधर से भी कॉमन इंटरेस्ट कि हमने पीस हार्मनी को हमने प्रमोट करना है, ये बिलीव करता था जनरल विल के ऊपर। जनरल विल की क्या है कि सबकी एक राय। देखें, अगर एक मेरा राइट है, एक आपका राइट है, एक उसका राइट है, चार पांच बंदों के हमारे डिफरेंट राइट्स हैं, तो हम क्या करते हैं वॉलंटियरली, हम कहते हैं कि हम इनको अपने राइट्स को किसी एक असेंबली, एक गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बदले में वो हमें क्या देती है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी देती है, राइट ऑफ लिव देती है, राइट ऑफ फ्रीडम देती है, और हमें मुख्तलिफ राइट्स देते हैं। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे हमें राइट मिले। अब ये क्या था रोसो का। अब हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो तीनों का था, एक एक करके कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या था। जो थॉमस हॉब्स था वो कहता था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह है वो क्या है, फियर है। अब जॉन लॉक जो है वो क्या कहता है कि सबका कॉमन कंसेंट है कि सब मिलेंगे और कहेंगे कि ये काम हुआ है। अब जो रोसो था, रोसो क्या कहता है कि सबकी जनरल विल से बंदा बनेगा। अब जो सॉवरन देखते हैं, पहला क्या कहता है जो थॉमस हॉब्स है, वो कहता है कि सॉवरन जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क होगा और कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके बाद सारे हमारे राइट्स हैं क्योंकि हमने सब उसको राइट दे दिए हैं सिवाय एक राइट के, राइट टू लिव या प्रिजर्वेशन। जब जॉन लॉक की तरफ आते हैं तो वो क्या कहता है सॉवरन, वो कहता है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है, लिमिटेड मोनार्की हमने दी, हमने एक असेंबली बनाई है, अगर वो लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर रहे, उसके लेवल पर नहीं उतर रहे, तो क्या करें, हम उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जिसको उसने कहा कि ये क्या है, उसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है। अब रोसो भी इसी तरह कहता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी जरूरियात को कंप्लीट नहीं कर रही, पूरा नहीं कर रही, तो लोगों को मुकम्मल हक है कि वो उसके अगेंस्ट जाए। अब हम देखते हैं कि सॉवरेंटी कहां से कहां किस तरह से मूव करी। अब पहले सॉवरेंटी थी या जो इक्तदार था या जो मालिक था, जो रूल कर सकता, वो क्या था, पोप था, प्रीस्ट था, यानी कि हम रिलीजन के लिहाज से देखते हैं। फिर उसके बाद थॉमस हॉब्स था, उसने कहा कि नहीं है, किसके पास होनी चाहिए, किंग के पास होनी चाहिए, मोनार के पास होनी चाहिए। उसके बाद आगे जॉन लॉक, जॉन लॉक ने कहा नहीं, मोनार के पास नहीं होनी चाहिए, किंग किसके पास होनी चाहिए, एक असेंबली के पास। अब जो रोसो था उसने कहा नहीं जी, असेंबली के पास भी नहीं हो जानी, सॉवरेंटी इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि थॉमस हॉब्स क्या कहता है कि उसके लिहाज से स्टेट की नेचर क्या है, इंसान कैसा होता है, सॉवरन कौन होता है, कंडीशन क्या होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह क्या थी और क्या क्या कंडीशन थी। इसी तरह हमने पढ़ा जॉन लॉक क्या कहता है, उसके मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, इंसान क्या था, किन तीन चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई और उसके बाद जो उसने चीज़ें नहीं दी। इसी तरह हमने रोसो को पढ़ा कि रोसो क्या कहता है, रोसो के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, इंसान कैसा था और उसको क्या क्या चीज़ें की जरूरत थी और क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारे सामने आए। तो ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो पहला था, जो थॉमस हॉब्स था, वो कहता था कि ये क्या है, ये यूनि है, यानी कि एक बंदे की एक ही साइड बना रही है। अब जो दूसरा जॉन लॉक था वो कहता है कि ये बायलेटरल है, और रोसो भी क्या कहता है, ये बायलेटरल है क्योंकि लोग मिलके बना रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है और मुख्तलिफ जोर्ज जो थे थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रोसो क्या क्या इसके बारे में कहते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। पढ़ो बड़ो विद महताब की तरफ से सलाम।